केसेस के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशंका को ध्यान में रखते हुए पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए मेडिकल प्रशासन की तरफ से, वो हमने आज यहाँ पे राज्य सरकार और सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773-26213। ये राज्य सरकार के आदेश से जो कोविड की केसेस, वैसे अभी तक अजमेर में एक भी केस नहीं है, कोविड के केसेस के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशंका को ध्यान में रखते हुए पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए मेडिकल प्रशासन की तरफ से, वो हमने आज यहाँ पे राज्य सरकार और स्थानीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देश से आज हमने देखी। साथ में यहाँ का जो मेडिकल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेडी साहब है, सीएमएचओ साहब है, जेएलएन के सुपरिटेंडेंट है, तो जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और जो वेंटिलेशन बेड है वो पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पर, और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है मेडिकल प्रशासन की तरफ से। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो भी वर्किंग है, फंक्शनल है, और जो यहाँ का मैनिफोल्ड है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो भी यहाँ देखा जांचा परखा, सारी व्यवस्थाएं सेटिस्फाइड है। सर, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी कोविड की जांच नहीं की जा रही है। अभी जैसे मैंने देखा एक वार्ड में, तो कोविड सस्पेक्ट जो है उनकी 8 लोगों को यहाँ पे रखा गया है, वो सिर्फ सस्पेक्ट के रूप में रखा गया, उनकी बताया गया कि आरटीपीसीआर जांच करके रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आएगी, इसका मतलब आरटीपीसीआर जांच हुई है, तो जांच यहाँ व्यवस्थाएं जैसे पहले कई थी कोविड के समय पे जी, कि जांच भी यहाँ पे हो रही है, रिपोर्ट भी यही बन रही है, तो इस बार क्या आगे भेजी जा रही है? अब देखो, जिस तरह से अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो और ज़्यादा हम इसमें काम करेंगे और इसकी जांच के क्या डॉक्टर साहब यहाँ रखेंगे? सर यहाँ पे नहीं, सर जांच की सुविधा यहाँ पे है, हमारे पास अच्छी कैपेसिटी है लैब में। तो जांच तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के आदेश हैं कि आगे जीनोम सीक्वेंसिंग कि कौन सा वेरिएंट है, उसके लिए हमें जयपुर भेजना है। तो जो पॉजिटिव आता है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम जयपुर भेजेंगे।